शूटर भाई बारैया, मैं तलाजा तालुका के छोटे से गांव गोरखी से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर मदर किसान है और मजदूरी करते हैं। मेरे 7 बहने हैं और एक छोटा भाई है जो अभी बीएड में स्टडी कर रहा है। मेरी 3 फीट हाइट है और 80 kg वेट है जी। जब मैंने 12th साइंस का पास किया नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा से और एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए नीट की एग्जाम क्लियर की और एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म फिलअप किया, तो एमसीए कमेटी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसकी कमेटी द्वारा मुझे रिजेक्ट किया गया कि आपकी 3 फीट हाइट है इसलिए आप इमरजेंसी केस हैंडल नहीं कर सकते, तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने ये रिजेक्शन के बाद नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवती सरवैया से की कि सर ऐसा हुआ है तो अब आगे क्या करें, तो उन्होंने भावनगर के कलेक्टर अर्षद भाई पटेल और गुजरात शिक्षण मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा उनसे मीटिंग की और उनसे बात की कि अब क्या कर सकते हैं। तो हमारे भावनगर के कलेक्टर के मार्गदर्शन के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि हम गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल करेंगे। फिर उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल किया। हमारे साथ दूसरे 2 कैंडिडेट इस केस में शामिल हुए, एक शेख मुस्कान जो बड़ौदा से थी और दूसरी हिना मावसिया जो राजकोट से थी। हम तीनों ने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल किया। गुजरात हाईकोर्ट में 2 महीने के बाद हम केस हार गए। तब बहुत उदास रहा और पर दलपत भाई और रेवती ने ये डिसाइड किया था हम हाईकोर्ट में केस हार गए तो क्या हुआ, हम सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करेंगे। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट का 2018 में जजमेंट आया कि आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकता है, इसलिए पर उस समय 2018 में एमबीबीएस के एडमिशन की प्रोसेस खत्म हो गई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आपको 2018 में नहीं पर 2019 में एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा। इसलिए मैंने 2019 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में एमबीबीएस में एडमिशन लिया और ऐसे मेरी एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट हुई। अभी मैंने एमबीबीएस कंप्लीट करके हाल में सर्टी हॉस्पिटल भावनगर में एज अ इंटर्न डॉक्टर वर्किंग कर रहा हूँ। जब मैं पेशेंट को देखने जाता हूँ तो जब पहली बार पेशेंट मुझे देखते हैं तो आज पेशेंट को आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो भी एक्सेप्ट करते हैं और मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, तो वो बहुत खुश होते हैं। मैं उनके साथ अच्छे से बात करता हूँ, वो भी मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं और पॉजिटिवली हमारा व्यवहार रहता है, तो वो भी बहुत ही खुश होते हैं।